हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अभी सुबह सवेरे है, अभी बस थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हुई है, फजर पढ़ लिया है। शो ऑफ के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये मेरी आदत है। तो अब फजर के बाद मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े रख दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी चार गिट्टी की तरफ से इधर यूके में जो अफ़गान महाजरीन आए हैं, अफ़गान रेफ्यूजी आए हैं और सीरिया के भी रेफ्यूजी हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन क्लोथ्स एंड वुमेन क्लोथ्स लेके जा रहे हैं, ब्रांड न्यू। तो वो मामा वेलफेयर की तरफ से हम डोनेट करने जा रहे हैं, मैं, नाफिया और शायद मिली है चली जाए, लेकिन वो कल हॉलीडे से आई है तो शायद थकी होगी। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, आपको सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल टू गेट नोटिफिकेशन। और अब मैं आ गई हूँ नाफिया के घर के पास, तो अब इंशाल्लाह नाफिया को उठाऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हैं और ऐसे पैकेटों में मैंने ऐसी रख दी है ना, ऐसी बूट में, बूट भी सारा भरा हुआ है, ये पीछे की सीट पे भी रख दिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे ना हो कि फिर ऐसे पैकेटों में हम कितना, पता नहीं उस औरत के पास जो कौंसल की औरत है उसके पास इतनी हेल्प है कि नहीं है। सैटरडे का दिन है तो उसने वैसे पूछा है कि जहाँ पे ये अफगान रिफ्यूजीज हैं वहाँ हम जा भी, अगर हमें अलाउड कर दिया कौंसल ने तो हम जाके बाय हैंड भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आइसोलेशन में भी हैं और ये कोविड की वजह रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा कि अगर ना हो सका तो हम दे देंगे और तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो भेज देंगे। तो चलो कोई नहीं, सदका तो सदका है, और ये तो मामा वेलफेयर की तरफ से है तो चैरिटी की तरफ से है, जो कुछ भी होगा हो जाएगा। तो एनीवे अब नाफिया को उठा रही हूँ और फिर मलीहा भी आ रही है। हमने कहा चलो बाद में, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बर्मिंगम के साथ है, तो हमने कहा चलो साथ में यहाँ चैरिटी का सारा करके दे के फिर हम बर्मिंगम थोड़ा सा हो आएंगे, क्योंकि वहाँ बर्मिंगम के नज़दीक और बर्मिंगम का खाना ना खाओ हम जैसे पेटू लोग, तो ये नामुमकिन है। तो फिर वहाँ जा रहे हैं। I was talking to like nothing because the record button. No, but I just say your favorite Nafia is here because well, everybody say we enjoy with Well, Nafia. You're never there, are you? Yeah. We don't no, see you. You're not. You are. Obviously, all my children are favorite. Sometimes I say, okay, so my YouTube family don't really want to watch me. Today. They just want to watch Malia and Nafia. Malia is one of those give me extra attention today because I feel bad today. Why? No, Malia. Oh. Malia is in one of her baby moods today. Yeah, she'll be okay inshallah. Malia never stay in a bad mood for long. Yeah. Anyway, so अभी हम बैठ गए हैं, जा रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश है, और मेरी तो ये मेरे ख्याल में 3/4 ज़िंदगी गाड़ी में गुजर गई। तो सोचा था कि अब ना बुढ़ापा आ गया, अब घर में बैठूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में अब चैरिटी की वजह से गाड़ी तो छोड़ो जहाज़ों में गुजरेगी। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूके में भी मेरी चैरिटी रजिस्टर्ड हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यूके में भी वल्नरेबल पीपल के लिए, पीपल इन नीड के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। स्पेशली चिल्ड्रन के लिए मैं यहाँ काम करूँगी और रिफ्यूजीज़ के लिए काम करूँगी। तो अभी हम बस, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है ना, फिर तुम कुछ बोलो ना, इतना फिर मौसम। You know what? It's Saturday and I thought usually Saturdays we wake up at midday maybe, harama harama. Harama harama, wow. So wow. this waking up early, 8 o'clock, is very difficult. Main I don't know what to say. Main to jab kahin jana hota hai meri neend khatam ho jati hai. Main 5 o'clock uthi kyunki tahajjud ke liye usually 3 baje uthti hu, lekin uth nahi saki to 5 o'clock uthi, तहज्जुद पढ़ी और फिर तकरीबन 4 to 6 नमाज पढ़ी, और तब से मैं जाग रही हूँ। तो कॉफ़ी का बड़ा सारा मग पिया कि नींद ना आए, नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, और नहीं आता। मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से कि दिखाएंगे इंशाल्लाह।
and then we'll go to eat somewhere. Yeah. So I booked a table for us in this place called Etsy Met or something. Etsy Met. I don't know what it is. It's in Birmingham, and it's to do with steak, and they cut it and do a little performance there. But apparently, it's very expensive. It's like Maria went there for, I think it was her husband's birthday. Yeah. And they paid £200 for only just for two that people. Much meal. Two so, people. I really don't mind. I say if, now because obviously Nafia's paying, so that's why we care about Nafia money. Otherwise, I don't mind. If I pay, I can take them. Yeah, but this time she didn't say anything. Thank God. Ooh, look, that's the undercover car right there. Undercover car. How are you feeling? Can you see Malia's lips right there? She went to such a nice place. Inshallah, me and Mum and Malia. And we are going again. We're gonna go inshallah in November holiday. Couple of you DM me on Instagram that they wanna go, so inshallah I'm gonna share that deal with you. It's a very good deal, and if you guys want to come along, yeah, okay. We've got a showing of some kind of theater thing soon. Fifth of October. No, you didn't invite me. Well, that's because you literally go, you literally, I don't know what to say. You're a pricey person, that's why they didn't invite you. They might think you charge them so much. Yeah, you know what? I think probably that's what it is. Yeah, maybe. That's probably is. Maybe that's why they didn't approach. Yeah, sometimes they don't approach people when they think that, okay, there's a lot of paid promotion on a page. Hell no, we ain't. Yeah, we don't do paid promotion that much, so that's okay. Well, not gonna lie, nobody approaches me for paid promotions. They're like, she's yeah, a couple approach me for paid promotion. No, they don't. I don't get Asda like Malia. Asda. Well, even Sumaya go Asda. No, Sumaya's got Tesco. Oh, Tesco. And yeah. So Malia's got. Okay, let's not do Nazar, okay? Mashallah. He just did a holiday and plus. And she got paid. Yeah, and Mama, she paid. She's having the proper blogger life. You know what I'm saying? Yeah. Mashallah, mashallah, mashallah. May Allah keep giving her a lot of halal money. And the khair salam. May Allah start me and yours as well. I was going to say something. मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी चैरिटी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई है यूके में, और आपको पता है कि यूके में चैरिटी रजिस्टर्ड करना आसान काम नहीं है. It's a big job. Yes. और इसका क्रेडिट मैं दूंगी शाहीन जमान को, क्योंकि अमेजिंग गर्ल है, और यकीन करें मेरा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है. She is really like she did well. Basically, us as kids should have done for mom, but yeah. जो काम मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं कर सके, क्योंकि honestly when I looked at all the documentation I had a headache. I was like, what the hell is this? And Malia during that time was ill, and the rest are losers. Not Sumaya. Sumaya, not you. So इसलिए उस No, Shaheen, Sadiq, not you. Sami, not you. Oh my God, they're gonna kill me. Yeah. So Shaheen ne jo mere liye kiya hai na, Allah Taala usko din aur dunya ki khushiyan de, aur Allah usko is charity ko uske liye sadke jariya banaye, kyunki ye usne yahan pe registered kiya hai aur bahut acche tarike se kiya hai Shaheen ne. So the credit goes to go. Credit goes to her. क्योंकि मैं तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं, वो तो थाउजेंड डॉक्यूमेंटेशन थे, वो मैं कहाँ सबमिट कर सकती थी, और मिलियन वर्ड्स भेजने थे तो, और सारा बहुत कुछ ये लोग मांगते हैं ये चैरिटी कमीशन वाले. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चैरिटी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई, और अब मैं यानी कि ग्लोबली काम कर सकती हूँ. So now she's a global mama. Yeah. So इंशाल्लाह अब यहाँ मैं फंड रेजिंग भी कर सकती हूँ. पहले तो मैं यहाँ डर के मारे नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे तुम फंड रेजिंग करो और तुम यहाँ की रजिस्टर्ड चैरिटी ना हो तो प्रॉब्लम बन सकती है. लेकिन अब तो मैं फंड रेजिंग भी करूँगी इंशाल्लाह यहाँ पे, और इवेंट्स भी करूँगी, और सारा कुछ करूँगी, और अब मैं ग्लोबली हेल्प करूँगी इंशाल्लाह अपनी चैरिटी में इंशाल्लाह. खैर ये चैरिटी हम सब की है, जो इस चैरिटी को जिस तरीके से भी सपोर्ट करते हैं उसके लिए है. और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस चैरिटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा के लिए
उस दुनिया का बख्शिश का सबब बनाए और सदके जारिया बनाए. बट थैंक यू सो मच शाहीन जमान, शी इज द वन, शी इज द वन हु डिड इट. अल्लाह फर्स्ट अल्लाह एंड देन अल्लाह ने उसको वसीला बनाया और उसकी वजह से ये चैरिटी रजिस्टर्ड हो गई है. So love you Shaheen. We all love you Shaheen. Please leave the roundabout. And I'm thinking, it's just way off topic, but you know what, even though Stenners did an amazing job with my hair, I'm thinking I might start going black, you know. Allah no. I feel like I'll probably go black. No, you look good, beautiful. Don't. I thought you'd say yeah, do it. No. Is you it? Look beautiful. No. Yeah. When you know, you grow your roots up to here, then you can go black. You know what I'll do? You know when I completely lose a lot of weight, then I'll do like something crazy. No, not crazy, I'll just go black. Nafia looks stunning in black hair. Stunning. I know that. Because all her life, मेरे बाल फिर निकल आए. इतने मेरे सर के बाल बड़े होते तो कितना अच्छा होता. तो नाफिया सारी उम्र इसके बाल नेचुरली जैसे ब्लू ब्लैक नहीं होते वैसे इसके बाल थे. यानी सुमैया के भी ब्राउनी है, मलीहा के तो खैर बहुत लाइट कलर थे, बहुत ज्यादा लाइट ब्राउन थे, लेकिन इसकी जेट ब्लैक बाल थे और बहुत खूबसूरत थे. मेरे ख्याल में व्हेन यू कलर्ड योर हेयर फर्स्ट नाफिया? व्हेन यू ट्राइड इट ऑन मी अम्मा. ये मैंने जब हेयर ड्रेसिंग मामा डिड माय आईब्रोज फर्स्ट व्हेन शी वाज ट्रेनिंग. जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो ये मेरी मॉडल हुआ करती. शी डिड रियली गुड जॉब व्हेन शी डिड इट फर्स्ट. या अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमली फ्रॉम वर्स्टरशायर काउंटी काउंसिल. आई वर्क विद द रिफ्यूजीज, आई सपोर्ट द रिफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान and also from Syria and from a lot of countries and the refugees here to our county. Thank you so much for Mama Welfare today for her kind help with providing a lot of kind of clothes which we need and we couldn't find in our area, especially the long dresses and the Muslim stuff which we need now and we can't provide for our refugees. We are really appreciated that. Thank you. You're welcome. सो अभी आ गए हैं, बस ड्रॉप कर दिया है. कौन सा, मुझे तो ये नाम भी नहीं आता यार. वर्स्टरशायर काउंसिल, काउंटी काउंसिल की मैनेजर को ये सारी चीज़ें दे दी हैं. बेचारी की आज छुट्टी भी थी, लेकिन मैंने उसे कहा था मैं सिर्फ सैटरडे आ सकती हूँ, मैं किसी और दिन नहीं आ सकती. I'm so sleepy. You're so sleepy. चुप करो. मेरे साथ कल बहुत बुरी हुई, मैं आपको बात बताऊँ. कल मैंने कैलब को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करके मैंने नाफिया के घर में नाश्ता नहीं किया. मैंने कहा नहीं, ऐसे भी कार्डिफ में हूँ, कैलब को ड्रॉप करूंगी, अकाउंटेंट से मिलूंगी, अकाउंटेंट के बाद में फिर अपने चैरिटी का बैंक अकाउंट खोलूंगी और उसके बाद में खाना अच्छा सा नाश्ता कर लूंगी. हमारे यहाँ कोई एक मुश्ताक ब्रेकफास्ट प्लेस खुला हुआ है, तो मैंने कहा वहां से नाश्ता करूंगी, फिर जाऊंगी अकाउंटेंट के पास, फिर अकाउंटेंट के पास से जाके फिर बैंक का अकाउंट खोलूंगी चैरिटी का, और फिर मैं उसके बाद और काम करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने जैसे कैलब को ड्रॉप किया, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखो ना कि रिजक कहाँ लिखा होता है. तो जब ड्रॉप किया तो मैं ऐसे गुजर रही थी, मैंने कहा ये पाशा एक शॉप है, मैंने कहा इस पाशा से सैंडविच ले लो, मुझे बहुत भूख लगी. फिर मैंने कहा नहीं, मैं दिल खराब हुआ है पाशा सैंडविच से, क्योंकि डिवाइन में हर वक्त यही खाया करती थी जब काम करती, क्योंकि वो मेरे बिजनेस प्लेस के पास है. मैंने कहा मैं नहीं खाती हूँ पाशा, नहीं खाती हूँ, मैं तो मुश्ताक का नाश्ता करूंगी. गई तो मुश्ताक बन, मैंने कहा चलो ये बंद है, थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ, पहले ना मैं जाके तो चैरिटी का अकाउंट खोल लेती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे बैंक खुल जाते, 8 बजे से 9:30 हो गए. तो फिर जब वहां गई तो
बैंक वालों को मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे अकाउंट है लेकिन मैं अब चैरिटी का अकाउंट खोलना चाहती हूँ, तो वो कहते हैं ये तो हम ऑनलाइन सारा कुछ करेंगे, तुम्हें कोई कॉल कर देगा और फोन पे तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि तुम हमारी एग्जिस्ट कस्टमर भी हो और ये ब्ला ब्ला ब्ला। वो काम नहीं हुआ, आ गई उन्होंने मुझे सारा डिटेल ले लिया कि तुम्हें फोन कॉल आएगा मंडे को, वो काम खत्म हो गया, वो भी यानी नहीं हुआ तकरीबन। तो मैं फिर गई, मैं फिर गई दोबारा कि देखो इसमें तकरीबन आधा घंटा लग गया, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं जाती हूँ, दिस लॉरी पर्सन इज सो बैड। तो मैंने फिर कहा कि चलो अब ऐसी करती हूँ कि अकाउंटेंट ये मुश्ताक के पास दोबारा जाती हूँ क्योंकि अब तो 10 बज गए हैं, अब शायद खुला हो। जब गई हूँ अब दोबारा बंद। फिर मैंने कहा चलो अब मैं अकाउंटेंट को फोन कर देती हूँ, उसको मिल लेती हूँ। जब अकाउंटेंट को फोन किया, हालांकि मेरा अकाउंटेंट अल्लाह उसको जिंदगी दे इतना अच्छा है, लेकिन वो मुझे किसी भी वक्त अपॉइंटमेंट दे देते हैं, हालांकि बहुत बिजी है, लेकिन उसने भी कहा कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, आप मुझसे 12 बजे के बाद मिलना, ठीक है। वो भी काम नहीं हुआ, वापस मुश्ताक के पास आई, मुश्ताक फिर बंद। फिर मैंने कहा चलो दफा करो, अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं जाके तो सबवे खा लेती हूँ। जब सबवे के पास गई तो वो बंद। फिर मैंने कहा चलो ये भी नहीं है किस्मत में, मैंने कहा कैंटन जाती हूँ, थोड़ा वहां से दूर है। मैंने कहा वहां मलिया ने कहा था कि नई चिकन की शॉप खुली है वो खा लेती हूँ, पर पाशा मैंने नहीं खाना। जब वहां गई उन्होंने कहा कि हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, सॉरी हमारा बंद है। एंड में क्या हुआ, एंड में ये हुआ कि वापस उस रास्ते से आ रही थी और वही पाशा का सैंडविच खाया, और फिर मैंने खा के मैंने कहा सीधा घर चलती हूँ, मैं इतनी थक गई थी, यानी 8 बजे की 12 बजे मैंने वही पाशा का सैंडविच खाया जो कि मैंने 9 बजे रिजेक्ट किया था। तो ये अल्लाह ने रिजक लिखा होता है कि जहाँ रिजक होता है वही पे रिजक होता है। तो बस अब हम जा रहे हैं, मैंने कहा ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म कर दूं, बस आप लोगों को बता दूं कोई शो ऑफ नहीं है, प्लीज कोई भी ऐसा कमेंट ना करना कि मैंने शो ऑफ के लिए तुम लोगों को बताया कि ये मैं चैरिटी के लिए, क्योंकि चैरिटी मेरा पैशन है, फूड बनाना मेरा पैशन है, तो मैं फूड भी बना के आपको दिखा रही हूँ, और चैरिटी का वर्क मैं अल्लाह के लिए करती हूँ, फूड और यूट्यूब में दुनिया के लिए करती हूँ, तो मैं दोनों को चला रही हूँ, अल्लाह को भी खुश कर रही हूँ और आप लोगों को भी। तो बस ये मैंने इसलिए आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर लिया कि ये आज हम यहाँ पे गए थे। तो बस ये एक छोटा सा ब्लॉग था आपको बताने के लिए कि एक तो आपको ये न्यूज देने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैरिटी यूके की रजिस्टर्ड चैरिटी हो गई है, विच इज अ बिग अचीवमेंट, और दूसरा आपको ये बताया था कि मैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रही हूँ। वैसे तो कोविड 19 के जो बुरे हालात थे उसमें हमने बहुत वनरेबल फूड पैक दिए थे यहाँ पे और काउंसिल के साथ कम्युनिटी के साथ, पर वो ये था कि वो मामा वेलफेयर चैरिटी की तरफ से नहीं था ना, वो ये था कि वो मेरी चैरिटी की तरफ से नहीं था, अपनी तरफ से कुछ किया था, वो चैरिटी का ऑफिशियल इवेंट नहीं था, और अब ये ऑफिशियल इवेंट हो गया कि मैंने ये वक्स शेख काउंटी काउंसिल में ये मैंने एक ऑफिशियल अपनी चैरिटी की तरफ से ये डोनेशन किया, तो सॉरी ये इवेंट किया। सो बस आपको यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने कहा चलो मैं और नाफिया मलिहा जा रहे हैं तो आपके साथ ये भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ, और अब बस हम कुछ और करेंगे, वो कुछ और खाना पीना, जो चैरिटी खत्म अब दुनिया शुरू, तो दुनिया का जो करूंगी वो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग। यू नो व्हेन मम ट्राइज टू एंड ए व्लॉग राइट, इट टेक्स प्रोबब्ली मोर 20 मिनट्स टू से बाय बाय देन द एक्चुअल वीडियो, क्योंकि मेरा आप लोगों से दिल नहीं चाहता खुद। सो गाइस इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।